अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर, लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। हमारे कॉलर थे, उनकी भी रिक्वेस्ट थी कि टैरेगन स्टेक बनाना सिखाएं। अभी 2 हफ्ते पहले कॉल आई थी और मैंने कहा था कि मैं लाइव आपको बनाना सिखाऊंगी कि चिकन टैरेगन स्टेक किस तरह बनता है, जो आप बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं। तो चलते हैं अपने किचन काउंटर की तरफ और वहाँ चल के मैं आपको बताती हूँ कि जो चिकन टैरेगन स्टेक है उसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। और ये स्टेक आप बीफ में भी बना सकते हैं, वैसे तो स्टेक बीफ का ही होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बीफ नहीं पसंद करते, बीफ उनको मना होता है किसी वजह से, तो चिकन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैंने कहा चिकन ऐसी चीज़ है जो आराम से हर जगह अवेलेबल भी हो जाती है, बजट में भी होती है, क्योंकि स्टेक्स जब हम बनाते हैं खासकर बीफ का, तो उसके लिए हमें अंडर कट का मीट चाहिए होता है, अंडर कट का पार्ट चाहिए होता है, जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए मैंने चिकन से सोचा कि बनाऊं। और यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बता देती हूँ, साथ साथ चिकन को हम मैरिनेट भी करते जाएंगे और इंग्रेडिएंट्स भी बताती जाऊँगी आपको कि चिकन में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रहे हैं। चिकन मैंने बोनलेस लिया है 1/2 किलो, बोनलेस जो चेस्ट पीस होता है वो मैंने ले लिया था और उसको हमने जो है फ्लैट कर लिया था। जो मीट हैमर होता है उससे आपने इसको फ्लैट कर लेना है। अगर मीट हैमर घर में नहीं है तो जो बेलन होता है या कोई स्पून होता है लकड़ी का, उससे भी आप इसको जो है फ्लैट कर सकते हैं। ये देखें, ये जो सीने का पीस था इसको मैंने एक पीस था उसके बीच में से 2 करके इस तरह से, पूरा इस तरह से होता है ना ऐसे, ठीक है, तो इसको मैंने हाफ करके और इसको 2 किया और इसको फ्लैट कर लिया। बाकी पीछे का पार्ट है इसको मैंने अलग कर लिया था, ये बहुत वरना थिक हो जाता, ठीक है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट हम किन किन चीज़ों से करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। काली मिर्चों का पाउडर इसमें चला जाएगा 1/2 टीस्पून ही, साथ साथ टैरेगन, ड्राइड टैरेगन जो हर्ब्स होता है, हर्ब कहलाता है, वो इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। लहसुन का पेस्ट है ये इसमें चला जाएगा, साथ साथ इसमें जाएगा सोया सॉस 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1/2 टीस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून। अच्छा, रेसिपी कार्ड में वूस्टरशायर सॉस लिखा है तो वो अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने 2 टेबल स्पून सोया सॉस के डाल देने, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो 1 टेबल स्पून वूस्टरशायर सॉस और 1 टेबल स्पून आपने सोया सॉस इसमें शामिल करना है और इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे और मैरिनेट करके आपको इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं फ़ौरन ही इसको फ्राई पैन में करूँगी। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं और फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपने इसको 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ना है। इस तरह से अच्छा सा आपने इसको मैरिनेट करना है। ये मैंने मैरिनेट कर दिया और फ्लेम यहाँ मैं ऑन करूँगी। तो यहाँ पे रख देते हैं इसको और इसको यहाँ मैं साइड में कर देती हूँ। इसमें मैं शामिल करूँगी इतना ऑयल के हमारे चिकन जो फिले हैं वो फ्राई हो जाएं। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल शामिल नहीं करना है इसमें, ठीक है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल शामिल करूंगी। ठीक है, और ये मैरिनेट हुआ हुआ आपने समझ ले इसको 1 घंटा हो गया है, ठीक है। 1 घंटे बाद आपने फ्राइंग पैन ऑन करना है, उस चूल्हा ऑन करना है, फ्राइंग पैन रखना है या ग्रिल पैन, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो आप वो रखें। उसमें 2 से 3 टेबलस्पून आपने ऑयल शामिल करना है और फिले आपने फ्राई करने हैं
एक तरफ से गोल्डन हो जाए, दूसरी तरफ आप उसको टर्न कर लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ हमारे पास यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, ये आपको नजर आ रही होंगी, जिसमें मटर हैं, गाजर हैं और आलू हैं। इसके अलावा आप इसमें जुकीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी वालों के पास मिल जाती है, और जो वो होता है फूल गोभी होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो ये मैंने तीन सब्जियां ली हैं, आलू, गाजर और मटर, इनको बॉईल कर लिया था। इसको हम बटर में फ्राई करेंगे नमक और ब्लैक पेपर पाउडर के साथ। यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है, फ्लेम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी टेरिगन चिकन स्टेक, और टेरिगन चिकन स्टेक के लिए चिकन जो था वो यहाँ फ्राई हो रहा था, और इसकी जो हमने मैरिनेशन की थी, आधा किलो बोनलेस चिकन था, फिले थे यानी पार्चे हमने कर लिए थे, एक जो पूरा सीना होता है उसके दो कर लिए थे, उसको फ्लैट कर लेना है आपने। जो मैरिनेशन थी उसमें हमने नमक शामिल किया था 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून वोस्टरशायर सॉस, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, और 1 टीस्पून टेरिगन ड्राइड हर्ब जो होता है, जो बॉटल्स में मिलता है, वो आप ले लेंगे। वो मैंने रख दिया, मैं अभी आपको दिखा दूंगी ब्रेक के बाद कि वो किस तरह का होता है, आराम से हर जगह मिल जाता है। और इसके अलावा लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून हमने शामिल किया था, अच्छा सा मैरिनेट करना है आपने और 1 घंटे के लिए छोड़ देना। उसके बाद आपने इस तरह 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल में इसको फ्राई कर लेना है कि दोनों तरफ अच्छा सा जो है वो इसके कलर आ जाए, ठीक है। अच्छा, जिस जिस पे कलर आ गया इसको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये पार्ट जो है ये बहुत जल्दी गल जाता है, तो हम यहाँ साइड में रख देंगे। और इसमें मैं नाइफ डाल के देखूंगी कि ये, क्योंकि आपको पता है चिकन है, बोनलेस है, बहुत जल्दी हो जाता है, इतना ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा आप कुक करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसको भी हम निकाल लेते हैं, ये देखें दोनों हमारे जो फिले थे वो तैयार हो चुके हैं। इसको मैं साइड में रखूंगी और आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ। सॉस के लिए हमें क्या करना है, इसमें बटर लेना है, बटर है मेरे पास, एक मैंने स्लाइस ले लिया था पूरा, यानी ब्लॉक ले लिया था 100 ग्राम का, तो इसमें से जो आधा है 50 ग्राम वो मैं इसमें शामिल करूंगी। ये आपने शामिल किया, कैन के मशरूम्स हैं मेरे पास स्लाइस हुए हुए, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी, मशरूम चले गए इसमें। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये टेरिगन जो हर्ब्स थे ये मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये इसमें चला जाएगा, ये डाल के आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1.5 कप के करीब, 1 से 1.5 कप के करीब पानी, और इसमें यहाँ मैदा है मेरे पास, ये मैं शामिल कर दूंगी इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डाल के आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है, और पानी शामिल करूंगी, पहले मैदा शामिल करना है फिर आपने इसमें 1 कप पानी शामिल करना है। ये आपने अच्छा सा इसको मिक्स किया, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास है यहाँ पे क्रीम, क्रीम है 1 टेट्रापैक की, मैंने पैकेट ले लिया था, किसी भी आप ब्रांड का ले ले वो इसमें चली जाएगी। क्रीम इसमें चली गई। अच्छा, विस्क से मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूंगी,
और इसको हम कुक करेंगे उतनी देर के इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, वरना क्या होता है कि सॉस ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। तो उसकी कंसिस्टेंसी आपने इतनी रखनी है कि ये हल्का हल्का सा थिक हो जब आप सर्व करें, और जैसे बात है जब तक टेबल पे जाता है खाते हैं तो वो खाते खाते ही अच्छा खासा थिकनेस की तरफ आ जाता है। तो इसको हम कुक करेंगे उतनी देर कि इसमें एक थिकनेस आ जाए। इसका सॉल्ट भी मैं चेक करूँगी। अच्छा, रेसिपी कार्ड में चीज़ लिखी हुई है 2 से 3 टेबल स्पून, ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की, ठीक है, ऑप्शनल थी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है लोगों को चीज़ी फ्लेवर पसंद होता है, तो आप इसमें चेडर चीज़ भी 2 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। अब इसको कुक होने देंगे हम, और सॉस हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा है, साथ साथ चिकन हमारा तैयार है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे फ्राइज, थोड़े से जो है वो फ्राइज मैं फ्राई करूँगी, हम साथ में इसमें रखेंगे। आप इसके साथ गार्लिक राइस भी रख सकते हैं, बॉइल्ड राइस भी रख सकते हैं, मैश पोटैटोज भी रख सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ। वेजिटेबल तो होती हैं, लेकिन उसके साथ आप क्या क्या रख सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज रख सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज नहीं रखने तो मैश पोटैटोज रख सकते हैं, मैश पोटैटोज नहीं रखने तो आप बॉइल्ड राइस रख सकते हैं। वन बोल आपने राइस का वो रख दिया, साथ में गार्लिक राइस रख सकते हैं। ये सारे जो हैं ये आप जो आपका दिल चाहे, वेजेस रख सकते हैं, पोटैटो वेजेस जो होते हैं वो आप रख सकते हैं, तो जो आपका दिल चाहे आप इसमें रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ सॉस की। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको नज़र आ रही होगी, और इसको मैं साइड पे करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, ठीक है। इसको बल्कि मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाइए। ये देखिए, ये नज़र आ रहा होगा इसकी कंसिस्टेंसी सॉस की, ये देखिए, ठीक है। ये ज़बरदस्त सा सॉस भी हमारा तैयार है, और फ्राइंग पैन इधर रखूँगी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सब्जियां अपनी सॉटे करनी है। फ्राइज के लिए ऑयल मैं इसमें शामिल करूंगी, क्योंकि थोड़े से फ्राइज हैं तो हम थोड़ा सा ही ऑयल इसमें शामिल करेंगे, और सब्जियों के लिए जो बटर है वो मैं फ्राइंग पैन में शामिल करूंगी। इसके अलावा नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, कोई भी फरमाइश करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ साथ आज की रेसिपी से रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बटर मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, बटर आपको सब्जियों के हिसाब से शामिल करना। यहाँ मेरे पास ये तकरीबन उबली हुई सब्जियाँ 1 से 1.5 कप के करीब हैं, तो आपने बटर इसमें 2 से 3 टेबल स्पून शामिल करना है, ठीक है। ये शामिल करने के बाद आपने इसमें जो हमारी उबली हुई सब्जियां हैं ये शामिल कर देनी है। ये चली गई इसमें, जो टैरेगन हर्ब था ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ड्राइड हर्ब ये चला जाएगा इसमें, नमक 1/4 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें, और ये डाल के आपने इसको टॉस करना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको टॉस करना है। बड़ा ज़बरदस्त सा बटर का और काली मिर्चों का नमक का फ्लेवर जो है वो वेजिटेबल्स में आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपने सब्जियों को गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपने इसको वो नहीं करना, सॉफ्ट नहीं करना है। आपने देखा सब्जियां कैसी खिली खिली सी हैं, खड़ी खड़ी सी, तो बिल्कुल आपने ऐसे ही रखना है वेजिटेबल्स को भी। तरह से आपने इसको सॉटे करना है। वेजिटेबल्स हमारी यहाँ तैयार हो गई हैं, चिकन हमारी यहाँ तैयार है, सॉस हमारा तैयार है, और ऑयल मैं गरम कर रही हूँ फ्राइज के लिए। फ्राइज हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। अच्छा, आप इसको सिंपल प्लेटर जो होता है वाइट या ब्लैक कलर का उसमें सर्व कर सकते हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट इसको
उसमें जो सिजलिंग पैन होता है जो अक्सर मैंने अपने शो में भी यूज़ किया है, तो वो सिजल अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना पास्ते की रेसिपी सीखनी है। क्या पूछना? मुझे बनानी है पास्ता। जी। कौन सा वाला? चिकन? नहीं नहीं कौन सा, क्रीमी पास्ता या रेड सॉस वाला पास्ता? कौन सा पास्ता? रेड पास्ता वाला। अभी बताऊं रेसिपी? जी बता दे। आप टीवी तक जाओ, मैं बताती हूँ। सही है। ठीक है, सही है। अल्लाह हाफिज। अच्छा, रेड सॉस पास्ता के लिए आपने पास्ता बॉईल करके अलग रख लेने, सबको पता है तरीका। चिकन को आपने क्या करना है, थोड़ा सा गार्लिक लेना है, हाफ टी स्पून के करीब, जितनी आप क्वांटिटी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप गार्लिक लें। ठीक है, अगर आप एक कप चिकन ले रहे हैं तो उसमें आपने हाफ ब्रेक का टाइम हो गया है, रेसिपी ब्रेक से आने के बाद आपको बता दूंगी पास्ता की। और स्टेक यहाँ हमारा बन रहा है टेरेगन चिकन स्टेक, फ्राइज अब फ्राई करूंगी मैं, बाकी हमारा तमाम काम कंप्लीट हो चुका है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी चिकन टेरेगन स्टेक, और टेरेगन चिकन स्टेक के लिए हमारी चिकन यहाँ रेडी है, वेजिटेबल्स सॉटे वेजिटेबल्स यहाँ रेडी हैं, फ्राइज यहाँ मैंने तैयार कर लिए हैं, सॉस हमारी जो है वो तैयार है यहाँ पे, तो सारी चीज़ें तैयार हैं। सिर्फ इसकी अब क्या करनी है, हमें प्लेटिंग करनी है। तो प्लेटिंग के लिए ये छोटी सी जो प्लेट है ना, ये मैंने अपने लिए निकाली थी कि मैं आज इसमें अपना भी जो है प्लेटर बनाऊंगी इसका, क्योंकि मुझे पर्सनली स्टेक बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो स्टेक का पीस है ये हम रखेंगे यहाँ पे, आपने इस तरह रखना है, और सॉटे वेजिटेबल्स हैं, इनको हम यहां रखेंगे एक साइड पे, यहां आ गई, साथ साथ जो फ्राइज हैं वो हम इधर रखेंगे, फ्राइज आ गए, सॉटे वेजिटेबल्स आ गई, और जो ये चिकन है इसके ऊपर अब मैं पोर करूंगी जो हमारा जबरदस्त सा ये सॉस है। ये देखिए, ये हमारा टेरेगन स्टेक जो है ये तैयार हो गया है। अच्छा, ये तो मैंने चिकन के पीसेस पूरे रख दिए, आप एक सिंगल पीस भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तैयार हो गया, और यहाँ पे जो ये छोटा प्लेटर है इसमें मैं यहाँ रखूँगी, और चिकन का ये मैं वैसे ही बना रही हूँ कि वैसे बात इतना ज़्यादा उसको नहीं भर सकते, थोड़ी सी वेजिटेबल्स आपने इसमें रखी, और जो सॉस है ये मैं इस पे पोर कर दूंगी। तो ये जबरदस्त सा जो टेरेगन स्टेक है, चिकन टेरेगन स्टेक, वो तैयार हो चुका है। इसको लेके चलते हैं अपने टेबल की तरफ, और वहाँ चल के जो है मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी कि कैसा बना है। और रेसिपी मैं रिपीट कर चुकी हूँ, अगर टाइम हुआ तो दोबारा ज़रूर हम इसको रिपीट कर देंगे, लेकिन आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है, और फिर बताना है कि आपने बनाया, घर वालों को कैसा लगा, और आप यही स्टेक जा के खाते हैं अगर बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है,
जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे 1000 से कम का एक स्टेक एक प्लेटर नहीं होता, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि उसी बजट में आप घर में बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, सब पेट भर के भी खाते हैं। तो आप यकीन जानिए कि मैं अपने घर में मैं अपना बता रही हूँ आपको कि चाइनीज़ हो गया या इस तरह की कोई चीज़ हो गई, मैं बिल्कुल घर में बनाती हूँ। और मैं बाहर का हम लोग बहुत कम इस तरह की चीज़ें खाते हैं, क्योंकि जब घर में आपको कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल रही है और ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रही है, तो फ़ायदा नहीं है कि आप बाहर जाके इतने ज़्यादा पैसे जो है वो ज़ाया करें। बहुत कम रेयर ऐसा होता है कि आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होता है या मूड होता है कभी महीने दो महीने में एक बार के घर में आप बेजार हो जाते हैं, घर में रह रहे के तो आप बाहर जाना चाहते हैं बच्चों को लेके फैमिली को लेके, तो आप उस वक्त तो जा सकते हैं। लेकिन हर वक्त जो वीकेंड पे जाना और इतने पैसे इन्वेस्ट करना, मैं समझती हूँ कि ये फजूल खर्ची है। और ये आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को घर में ही बनाएं और घर में ही इसको आप ट्राई करें। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा जो चिकन था वो भी गल चुका है और इसका सॉस के साथ कैसा टेस्ट है। ये देखें, बहुत मजे का है, क्रीमी ब्लैक पेपर का फ्लेवर आ रहा है इसमें, और जब आप इसमें वेजिटेबल्स को फ्राइज को मिक्स करके खाते हैं तो बहुत मजे का लगता है। कॉलर भी उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फरा, मैं आपको ऑनलाइन देख रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ, क्या आपकी गाड़ी मुझे लेने आ सकती है? मैं कुछ खाना वाना बना के देना चाहती। आप हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे बात कर लीजिए कॉल पे, ठीक है, वो आपको डिटेल्स वगैरह शेयर कर देंगे। तो रेसिपी दोबारा से जल्दी से रिकैप कर देती हूँ टैरेगन चिकन स्टेक की। टैरेगन चिकन स्टेक के लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया था आधा किलो। आधा किलो चिकन बोनलेस को आपने फ्लैट कर देना है, थोड़ा सा मीट हैमर से या बेलन से किसी भी चीज़ से आप उसको हिट करेंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा। मैरिनेशन उसको आपने करना है, नमक लेना है हाफ टी स्पून, मस्टर्ड पेस्ट था हाफ टी स्पून, सोया सॉस था एक टेबल स्पून, एक टेबल स्पून वूस्टर शायद सॉस था, काली मिर्चों का पाउडर था हाफ टी स्पून, लहसुन का पेस्ट था हाफ टी स्पून, सिरका था वन टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छा सा आपने मैरिनेट करके रख देना है एक घंटे के लिए। उसके बाद आपने दो टेबल स्पून ऑयल लेना है फ्राइंग पैन में या ग्रिल पैन में, उसमें आपने चिकन के जो फिले हैं वो फ्राई करने, जब दोनों तरफ से कलर आ जाए गोल्डन हो जाए उसको निकाल लें साइड पर रख दें। सॉस के लिए हमने क्या किया था, मक्खन लिया था मैंने 50 ग्राम, यानी 100 ग्राम का जो था वो ब्लॉक था, उसमें से क्वार्टर मैंने लिया था, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने लिया था, 3 से 4 टेबल स्पून मक्खन था, वो मेल्ट हुआ, उसमें हमने मशरूम्स शामिल कर दिए 1 कप, उसको सॉटे किया, मैदा शामिल किया 1 टेबल स्पून, अच्छा सा मिक्स किया, नमक शामिल किया हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया, अच्छा सा उसको मिक्स किया, उसमें मैंने 1 से 1.5 कप के करीब पानी डाला। मिक्स करने के बाद उसमें मैंने 1 टेट्रापैक की क्रीम पूरी उसमें शामिल कर दी थी, उसको मिक्स किया। आप जब देखें उसमें बॉयल आना शुरू हो जाए, वो हल्की हल्की गाढ़ी होनी शुरू हो जाए तो आपने उसको साइड में रख देना है। उसके अंदर मैंने टैरेगन ड्राइड टैरेगन हर्ब भी शामिल किया था हाफ टी स्पून। सॉटे वेजिटेबल्स हमने किस तरह बनाई थी, मिक्स वेजिटेबल्स ले लें, आपने देखा होगा मैंने किस तरह कटिंग की है, आप बिल्कुल इसी तरह स्टेक्स के साथ जैसे कटिंग हुई हुई होती है वेजिटेबल्स आपने उसी तरह करनी है। आलू ले लें, गाजर ले लें, मटर ले लें, जुकीनी आती है वो ले लें, फूल गोभी ले सकते हैं आप, ठीक है। आम सब्जियों को आपने काटना है एक ही शेप में और आपने हल्का सा उसको इतना बॉईल करना है कि उसका शेप भी ख़राब ना और वो गल भी जाए। मक्खन लेना है आपने 2 टेबल स्पून, अगर 1 कप सब्जियाँ हैं तो आपने 2 टेबल स्पून मक्खन लेना है, उसमें नमक शामिल करना है, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, उसमें वेजिटेबल्स डालें, ड्राइड टैरेगन हर्ब डालें, अच्छा सा उसको टॉस करें तेज आंच पे, सॉटे करें और उसको साइड पे रख दें। फ्राइज के साथ सर्व करना चाहते हैं फ्राइज के साथ सर्व करें, साथ में आप बॉइल्ड राइस रखना चाहते हैं बॉइल्ड राइस रख दें, आप गार्लिक राइस रखना चाहते हैं गार्लिक राइस रख सकते हैं, पोटैटो वेजेस रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, मैश पोटैटोज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, मैंने फ्राइज रखे हैं तो फ्राइज आप फ्राई करके रख सकते हैं। तो इस तरह आपका ये पूरा कंप्लीट मील जो है वो तैयार हो जाता है।
इसको आपने जरूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक जरूर देना है। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम मिस हो जाए तो मेट्रो वन न्यूज का यूट्यूब चैनल है, रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है तो वहां से आप हमारा शो देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मंडे आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत ही मजेदार रेसिपी के साथ। तो उस वक्त तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।